नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से श्री राधा रानी के नाम की ऐसी महिमा बताएंगे जिसे सुनने सुनाने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर संसार रूपी सागर को प्राप्त कर संसार रूपी सागर को पार कर मुक्ति को प्राप्त होता है। सुनने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, कथा कहानी के अनुसार गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह नित्य सुबह स्नान आदि कर भगवान की पूजा पाठ पूरी निष्ठा के साथ करता था, परंतु उस व्यक्ति का एक पुत्र था। वह तो न कभी पूजा अर्चना करता और न ही किसी से राम राम कहता। वह व्यक्ति अपने पुत्र से बहुत ही दुखी था। एक बार उसके गांव में एक संत पधारे और वह व्यक्ति उस संत के पास जा पहुंचा और अपनी समस्या उन संत को सुनाई। प्रभु, कोई ऐसा उपाय करो कि मेरे बेटे का मन भी भगवान की भक्ति में लग जाए। तब वह संत उस व्यक्ति से बोले, कल तुम अपने पुत्र को अपने साथ लेकर मेरे पास आना। वह व्यक्ति संत को प्रणाम कर अपने घर लौट गया और अगले दिन वह सुबह जल्दी उठ रोज की भांति पूजा पाठ कर अपने बच्चे को साथ लेकर संत जी के पास पहुंचा और उस व्यक्ति ने संत जी को प्रणाम कर कहा, प्रभु, यह मेरा पुत्र है। तब महात्मा ने बड़े ही प्रेम से उस बच्चे के सिर पर हाथ फिराकर बोले, बेटा, राधे राधे कहो। तब वह लड़का बोला, मैं नहीं बोलूंगा। संत ने पुनः कहा, बेटा, वे सर्वेश्वरी हैं। उनका नाम लेने से व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है। तुम भी प्रेम से बोलो, राधे राधे। तब वह बच्चा उस संत पर झल्ला पड़ा और बोला, मैं क्यों बोलूं राधे राधे। तब वह संत उस बालक से बोले, अंतिम समय राम का नाम ही काम आता है। जब तेरी मृत्यु हो जाएगी और तुझसे धर्मराज पूछेंगे, कभी तूने प्रभु का स्मरण किया? तब वह संत बोले, कह देना, मैंने अपने जीवन में एक बार अवश्य ही राधे रानी का नाम लिया है। वह व्यक्ति अपने बेटे को वहां से लेकर घर आ गया। कालचक्र बहुत तेजी से घूमता है। दर्शकों, अब वह बच्चा युवा हो चुका था और धीरे धीरे उसने अपना संपूर्ण जीवन यूं ही व्यतीत कर दिया और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। धर्मराज के दूत उसे अपने पास में बांधकर धर्मराज के दरबार में ले जाते हैं। तब धर्मराज उससे पूछते हैं, कभी कोई अच्छा कार्य किया? वह चुप रहता है। तब धर्मराज उससे पूछते हैं, कभी तूने अपने मुख से भगवान का नाम लिया? तब वह बोला, हाँ, मैंने एक बार राधा रानी का नाम लिया है। उस एक बार नाम लेने की क्या महिमा होती है, वह आप सोच कर मुझे बताइए। तब धर्मराज सोचने लगे, भला एक बार नाम लेने की क्या महिमा हो सकती है, उसका तो मुझे भी पता नहीं है। चलो इंद्र के पास इस बात की महिमा को पूछ कर बताएंगे। अतः धर्मराज उस व्यक्ति को इंद्र के पास ले जाने के लिए तैयार होते हैं। तब वह व्यक्ति धर्मराज से बोला, मैं ऐसे नहीं चलूंगा, पहले मेरे लिए कहारों सहित पालकी मंगवाओ, मैं उसी में बैठकर जाऊंगा। तब धर्मराज बोले, ये कौन सी मुसीबत है, लेकिन एक नाम की महिमा का तो पता लगाना ही था। सो धर्मराज ने शीघ्र ही पालकी और कहारों को बुलवाया और उस व्यक्ति को उस पालकी में बिठाया। जब पालकी चलने लगी, तब वह व्यक्ति धर्मराज से बोला, जो आगे कहार पालकी में लगा है, उसे उठाकर आप स्वयं पालकी को उठाओ, तभी मैं इसमें बैठूंगा। धर्मराज ने ऐसा ही किया। तब सभी उस व्यक्ति को लेकर इंद्रदेव के पास पहुंचे और धर्मराज इंद्र से बोले, प्रभु, एक बार राधे रानी का नाम लेने की क्या महिमा है, सो बताएं।
तब देवराज इंद्र बोले, राधा रानी के नाम की महिमा तो बहुत है, पर यह महिमा किस हद तक है यह मुझे भी नहीं मालूम। जब इंद्र बोले, चलो सभी ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, श्री राधे रानी का एक बार नाम लेने की क्या महिमा है यह तो वही बताएंगे। इस तरह सभी ब्रह्मा जी के पास जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी वह व्यक्ति बोला, मैं तभी पालकी में बैठूंगा। अब एक कहार को उठाकर देवराज इंद्र को पालकी स्वयं उठाकर चलेंगे। अब एक तरफ धर्मराज और एक तरफ देवराज इंद्र इस प्रकार पालकी में उस व्यक्ति को बिठाकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तब ब्रह्मा जी सोचने लगे, ऐसा कौन सा धर्मपरायण व्यक्ति ब्रह्मलोक में पधारा है जो पालकी में बैठकर आया है। तब सभी ने पूछा, हे ब्रह्मदेव, ये बताइए एक बार राधे रानी का नाम लेने की क्या महिमा है। तब ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता से मैं भी अनभिज्ञ हूँ। इस बात का भगवान भोलेनाथ को अवश्य ही ज्ञान होगा, चलो उन्हीं के पास चलते हैं। तब वह व्यक्ति बोला, अब तीसरे कहार को उठाकर स्वयं आप इसकी जगह पालकी में लग जाइए। तब ब्रह्मा जी भी पालकी में जा लगे, क्योंकि राधे नाम की महिमा जो जाननी थी। अब एक तरफ यमराज, दूसरी तरफ देवराज इंद्र, पीछे की तरफ ब्रह्मा जी, इस प्रकार सभी पालकी को लेकर भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं और भगवान शिव से बोलते हैं, हे प्रभु भोलेनाथ, अब आप ही बताइए कि एक बार श्री राधे रानी के नाम लेने की क्या महिमा है। तब भगवान भोलेनाथ बोले, इस बात की जानकारी या इस नाम की महिमा का भेद तो श्री हरि विष्णु के पास है, वही बता सकते हैं। अब वह व्यक्ति भगवान शिव से बोला, अब आप भी पालकी के पीछे लग जाइए। इस प्रकार आगे धर्मराज और इंद्र, पीछे ब्रह्मदेव और शिव, इस प्रकार सभी उस व्यक्ति को पालकी में बिठाकर राधे रानी के नाम की महिमा का रहस्य जानने के लिए श्री हर विष्णु के पास चल देते हैं। सभी विष्णु लोक जाते हैं और श्री हरि को प्रणाम कर बोले, प्रभु एक बार श्री राधे रानी के नाम लेने की क्या महिमा है, कृपा करके बताने का कष्ट करें। तब श्री हर विष्णु मुस्कुराए और बोले, जिस पालकी को स्वयं मृत्युलोक के देवता धर्मराज, स्वर्ग के राजा इंद्र और ब्रह्मलोक के स्वामी ब्रह्मा जी और कैलाश धीश शिव उठा रहे हों, इससे बड़ी राधे नाम की महिमा और क्या हो सकती है। जिसने अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार राधा रानी का नाम लिया और आप सभी इसकी पालकी में जुट कर इसे बिठाया, तो अब यह मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो व्यक्ति केवल रा शब्द बोलते हैं तो मैं सभी काम को छोड़कर उसके पास खड़ा हो जाता हूँ, और वहीं यदि कोई व्यक्ति धा नाम का उच्चारण करता है तो मैं दौड़कर उसे अपनी गोद में उठाकर उसका आलिंगन कर लेता हूँ। ऐसी है श्री राधे रानी के नाम की महिमा। तो देखा दर्शकों, यह है श्री राधे रानी के नाम की महिमा। इसलिए सभी दर्शक मेरे साथ इस चमत्कारी नाम की जय जयकार करें। बोलिए सभी भक्त राधे राधे। यदि आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।